हेलो दोस्तों, सब्सक्राइब कीजिए डीके एडवेंस यूट्यूब चैनल को और दबाइए बेल का आइकन जिससे मिल सके आपको हमारी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले। हेलो दोस्तों, तो आज हम आपको फिजिक्स करा रहे हैं। फिजिक्स में हम आपको करा रहे हैं चैप्टर सरफेस टेंशन यानी पृष्ठ तनाव। ये पृष्ठ तनाव की सेकंड वीडियो है। अगर आपने इसकी फर्स्ट वीडियो नहीं देखी है तो आप उस फर्स्ट वीडियो को जरूर देख लें। तो आज हम आप तो देखते हैं कि किसी द्रव के पृष्ठ तनाव का मान द्रव की प्रकृति और द्रव के ताप तथा उस माध्यम पर निर्भर करता है जो द्रव के पृष्ठ के दूसरी ओर होता है। यानी किसी द्रव के पृष्ठ तनाव का मान द्रव की प्रकृति और द्रव के ताप तथा उस माध्यम पर निर्भर करता है जो द्रव के पृष्ठ के दूसरी ओर होता है। और तार के द्रव के संपर्क की प्रभावी लंबाई आपकी 2L होती है। मतलब तार के द्रव के संपर्क की प्रभावी लंबाई आपकी 2L होती है। पृष्ठ तनाव को प्रभावित करने वाले कारक तो देखते हैं। नंबर पृष्ठ ताप का प्रभाव, द्रव का ताप बढ़ाने पर पृष्ठ तनाव कम हो जाता है और द्रव के क्रांतिक ताप पर पृष्ठ तनाव शून्य हो जाता है। अगर हम द्रव का ताप बढ़ाएंगे तो पृष्ठ तनाव कम हो जाएगा और द्रव के क्रांतिक ताप पर पृष्ठ तनाव शून्य हो जाता है। विलेय पदार्थ का प्रभाव, यदि विलेय पदार्थ जल में अत्यंत घुलनशील है तो इस पदार्थ को द्रव में घोलने पर द्रव का पृष्ठ तनाव बढ़ जाएगा। अगर कोई पदार्थ अत्यंत घुलनशील है तो पृष्ठ तनाव बढ़ जाएगा उसका, जैसे नमक घोलने पर द्रव का पृष्ठ तनाव बढ़ जाता है। और यदि विलेय पदार्थ जल में कम घुलनशील है तो इस पदार्थ को द्रव में घोलने पर द्रव का पृष्ठ तनाव कम हो जाता है। अगर कम घुलनशील होगा तो पृष्ठ तनाव कम हो जाएगा, अगर अधिक घुलनशील होगा तो पृष्ठ तनाव बढ़ जाता है। जैसे डिटर्जेंट, साबुन आदि घुले जल का पृष्ठ तनाव कम हो जाता है। संदूषण का प्रभाव, जल के पृष्ठ पर धूल अथवा चिकनाई यानी ग्रीस अथवा तेल की उपस्थिति के कारण जल का पृष्ठ तनाव कम हो जाता है। यदि जल के पृष्ठ पर धूल अथवा चिकनाई या ग्रीस अथवा तेल की उपस्थिति, अगर धूल अथवा कोई जल है और उसके ऊपर हम धूल डाल दें तो उसका पृष्ठ तनाव कम हो जाएगा। द्रव की पृष्ठीय ऊर्जा, द्रव के मुक्त पृष्ठ के प्रति इकाई क्षेत्रफल में संचित इस अतिरिक्त ऊर्जा को द्रव की पृष्ठीय ऊर्जा कहते हैं। यदि पृष्ठ के दोनों क्षेत्रफलों में होने वाली कुल वृद्धि डेल्टा ए है तो इसे करने में कृतकार्य होगा आपका डब्लू बराबर टी इंटू डेल्टा ए। नोट पृष्ठ देखते हैं हम कि पानी के बुलबुले को फूंकने में किया गया कार्य आपका, पानी के बुलबुले में फूंकने के कार्य होता है आपका डब्लू बराबर 4πr² इंटू टी। अगर पानी का बुलबुला है उसको भूगने में क्या कार्य होगा आपका डब्ल्यू बराबर 4πr² इंटू टी। सेकेंड हमारा, किसी पानी के बुलबुले की त्रिज्या एन गुना बढ़ाने में किया गया कार्य होता है तो डब्ल्यू बराबर 4πr² एन स्क्र माइनस 1 इंटू टी। अगर किसी पानी के बुलबुले की त्रिज्या एन गुना बढ़ानी है तो वो डब्ल्यू किया गया कार्य होता है आपका डब्ल्यू बराबर 4πr² इंटू एन स्क्र माइनस 1 इंटू टी। नेक्स्ट है, किसी पानी के बुलबुले को एन बराबर भाग में तोड़ने में किया गया कार्य डब्ल्यू बराबर होता है आपका 4πr² इंटू एन की घात 1/3 माइनस 1 इंटू टी। अगर पानी के बुलबुले को ही एन बराबर भागों में बांटेंगे तो उसका होता है डब्ल्यू बराबर 4πr² एन की घात 1/3 माइनस 1 इंटू टी। जब एन छोटे छोटे दो बूंदों मिलकर किसी बड़ी बूंद का निर्माण करती हैं तो मुक्त पृष्ठ ऊर्जा होती है आपकी एस बराबर 4πr² n की घात 2/3 इंटू टी। साबुन की फिल्म में दो मुक्त पृष्ठ होते हैं तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। अगर कोई आपसे पूछता है, क्वेश्चन आता है कि साबुन की फिल्म में कितने पृष्ठ होते हैं तो साबुन की फिल्म में दो मुक्त पृष्ठ होते हैं। पृष्ठ तनाव के कुछ उदाहरण देखिए। पारे की छोटी बूंद गोल तथा बड़ी बूंद चपटी होती है। पारे की छोटी बूंद होगी वो तो गोल होगी और जो बड़ी बूंद होती है वो चपटी होती है। और कांच की छड़ अथवा धातु के तार के सिरों का उच्च ताप तक गर्म करने पर गोल हो जाता है। अगर कांच की छड़ अथवा धातु के तार के सिरों को उच्च ताप तक गर्म करेंगे तो वे गोल हो जाते हैं। और शीशे के छोटे छर्रे गोल तथा बड़े छर्रे चपटे होते हैं। और सुई का जल पर तैरना,
जल के पृष्ठ पर कपूर के टुकड़ों का नाचना, ये सब पृष्ठ तनाव के उदाहरण हैं। और साधारण जल की तुलना में साबुन के घोल को अधिक बड़े बुलबुले बनाए जा सकते हैं, और साबुन का जली घोल कपड़ों को अच्छी सफाई करता है। हम साधारण जल की तुलना में साबुन के घोल के बुलबुले अधिक बड़े बनाए जा सकते हैं और साबुन का जली घोल कपड़ों की अच्छी सफाई करता है। कांच की नली में मुक्त पृष्ठ की आकृति, कांच की नली में द्रव के मुक्त पृष्ठ की आकृति द्रव के अणुओं के बीच कार्यरत संसंजक बल तथा कांच व द्रव के अणुओं के बीच कार्यरत आसंजक बल के आपेक्षिक परिणामों पर निर्भर करता है। कांच की नली के मुक्त पृष्ठ की आकृति आपकी किस पर निर्भर करती है? तो कांच की नली में द्रव के मुक्त पृष्ठ की आकृति आपके द्रव के अणुओं के बीच कार्य करती है, और संसंजक बल तथा कांच के द्रव के अणुओं के बीच कार्यरत आसंजक बल के आपेक्षिक परिणामों पर निर्भर करती है। तो इसका केस स्पष्ट देखते हैं हम। यदि जल तथा कांच के बीच आसंजक बल का मान संसंजक बल से अधिक है तो इनका परिणामी बल जल से बाहर की ओर होगा, अर्थात जल कांच में ऊपर की ओर चढ़ेगा। अगर आपका आसंजक बल का मान संसंजक बल से अधिक है और आसंजक बल का मान आपका संसंजक बल से अधिक है तो जल कांच में ऊपर की ओर चढ़ेगा। और केस सेकंड देखते हैं कि पारे के लिए, पारा कांच के लिए आसंजक बल पारे के अणुओं के संसंजक बल से कम होता है तो इनका इसका परिणामी बल पारे के अंदर की ओर दृष्ट होगा, पारा कांच से नीचे उतर जाएगा। यदि आसंजक बल पारे के अणुओं के संसंजक बल से कम है और आसंजक बल कम हो तो पारा कांच से नीचे उतरेगा, और यदि आसंजक बल अधिक हो संसंजक बल से तो अर्थात जल कांच में ऊपर की ओर चढ़ जाता है। ठीक है, नोट हमारा, जल का पृष्ठ कांच के संपर्क में अवतल तथा पारे के पृष्ठ में उत्तल होता है। जल को पृष्ठ कांच के संपर्क में रखा हुए तो अवतल होगा, और पारे को पृष्ठ हो तो अवतल, वो सॉरी उत्तल। संपर्क अथवा संपर्क कोण द्रव व ठोस के स्पर्श बिंदु से द्रव के पृष्ठ पर खींची गई स्पर्श रेखा तथा ठोस के पृष्ठ पर द्रव के अंदर की ओर खींची गई स्पर्श रेखा के बीच बने कोण को उस ठोस व द्रव के लिए स्पर्श कोण कहते हैं, इसे थीटा से प्रदर्शित करते हैं। स्पर्श कोण का मान निम्न कारकों पर निर्भर करता है। तो देखते हैं वो कौन कौन से कारण हैं। स्पर्श कोण का मान संपर्क में आने वाले द्रवों तथा ठोसों की प्रकृति पर निर्भर करता है। स्पर्श कोण का मान संपर्क में आने वाले द्रवों और ठोसों की प्रकृति पर भी निर्भर करता है। और स्पर्श कोण का मान ताप बढ़ाने पर घटता है। स्पर्श कोण का मान ताप बढ़ाने पर घटेगा, और स्पर्श कोण का मान द्रव में घुलनशील अशुद्धियां मिलाने पर भी घटता है। और स्पर्श कोण बढ़ाने पर पृष्ठ तनाव घटता है। स्पर्श कोण बढ़ाएंगे तो पृष्ठ तनाव घटेगा। जो द्रव ठोस के तल को भिगो देते हैं उनके लिए स्पर्श कोण न्यून कोण होता है, यानी थीटा लेस देन 90 डिग्री होता है, तथा ठोस के संपर्क में उनका तल अवतलाकार होता है। जो द्रव ठोस के तल को भिगो देते हैं उनको न्यून कोण होता है, वो थीटा लेस देन 90 होता है, और उनको संपर्क उनका तल अवतलाकार होता है। ठोस के संपर्क में अगर उनको तल देखो जाए तो वो अवतलाकार होता है। और जो द्रव ठोस के तल को नहीं भिगोते उनके लिए स्पर्श कोण अधिक कोण होता है, यानी थीटा ग्रेटर देन 90 डिग्री होता है, तथा ठोस के संपर्क में उनका तल उत्तलाकार होता है। जल तथा चांदी के लिए स्पर्श कोण 90 डिग्री होता है। जल और चांदी के लिए आपका स्पर्श कोण 90 डिग्री पर होता है, अतः चांदी के बर्तन में किनारे पर भी जल तल पूरी क्षेत्र बना रहता है और वे समतल पृष्ठ होता है। साढ़ जल व स्वच्छ कांच के लिए आपका स्पर्श कोण 8 डिग्री होता है, और कांच व पारे के लिए स्पर्श कोण आपका 135 डिग्री होता है। जल व चांदी के लिए स्पर्श कोण 90 डिग्री होगा आपका, और शुद्ध जल व शुद्ध कांच के लिए आपका 0 डिग्री होता है। तो आपको ये चीज़ याद रखनी है कि साधारण जल और स्वच्छ कांच के लिए स्पर्श कोण 8 डिग्री का होगा, और कांच व पारे के लिए स्पर्श कोण आपका 135 डिग्री का होगा, और जल व चांदी के लिए स्पर्श कोण आपका 90 डिग्री का होगा, और शुद्ध जल व शुद्ध कांच के लिए आपका स्पर्श कोण 0 डिग्री का होता है। आधिक दाब वक्र पृष्ठ की अवस्था में पृष्ठ के अवतल पार्श्व पर दाब उत्तल पार्श्व पर दाब की अपेक्षा अधिक होता है, यानी वक्र पृष्ठ की अवस्था में पृष्ठ के अवतल पार्श्व पर दाब उत्तल पार्श्व दाब की अपेक्षा अधिक होता है, और वक्र पृष्ठ के दोनों पार्श्वों पर दाबों का अंतर आधिक्य दाब कहलाता है। द्रव में वायु के बुलबुले के भीतर आधिक्य दाब पी बराबर 2T × R। अक्सर ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके, द्रव में वायु के बुलबुले के भीतर आधिक्य दाब होगा, तो आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है कि वायु में होता है P = 2T/R।
और साबुन के लिए आपके वितरादिक दाब होता है पी बराबर 4t/r। यदि R1 तथा R2 त्रिज्या के दो साबुन के बुलबुलों के संपर्क में होने पर इनके स्पर्श पृष्ठ की त्रिज्या R हो तो R बराबर होता है R1 R2 R1 R2 R1 R2 बट्टे R2 -1 होता है आपका। ओके, यदि समान ताप पर R1 व R2 की त्रिज्या द्रव की दो बूंदों को मिलाकर समतापी स्थिति में एक एक बूंद बनाने पर उसकी त्रिज्या R हो तो आपकी त्रिज्या होती है R√R1 + R1² + R2² केश सुखाते। तो आपको केश सुखाते कैसे कहते हैं? तो किसी केश का नली में द्रव के तल को ऊपर चढ़ने अथवा नीचे गिरने की घटना को केश सुखाते कहते हैं। अक्सर आपके एग्जाम में डेफिनेशन तो आएगी नहीं, पर आप अगर डेफिनेशन आप अगर लर्न करोगे या पढ़ोगे तो उससे आपकी बहुत सी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो इसलिए आप डिटेल में पढ़िए, जितना हो सके उतना डिटेल में पढ़िए आप अभी तो, क्योंकि आपके अभी एग्जाम के 2 से 3 महीने बाकी हैं। तो केश नली जितनी पतली होती है उसमें द्रव का तल बाहरी तल से उतना ही अधिक ऊपर उठता हुआ अथवा नीचे गिरता हुआ होता है। केश नली जितनी पतली होगी उसके द्रव का तल बाहरी तल उतना ही अधिक ऊपर उठेगा अथवा नीचे गिरेगा, उतने को ऊपर उठेगा उतने के नीचे गिरेगा। और केश नली पतली होगी तो, और केश नली में ऊपर छड़े अथवा नीचे गिरे द्रव के स्तंभ की ऊंचाई के लिए व्यंजक होता है तो आपके द्रव स्तंभ की ऊंचाई के लिए व्यंजक होता है H = 2t cos θ/r ρg। क्या होता है आपका द्रव की स्तंभ की ऊंचाई बराबर होता है H = 2t cos θ/r ρg। यहाँ पर आपका टी पृष्ठ तनाव है, थीटा स्पर्श कोण है, आर केश नली की त्रिज्या है, पी रो द्रव का घनत्व है, जी गुरुत्वीय त्वरण है। केश नली में झुका देने पर द्रव के उन्नयन पर प्रभाव, यदि केश नली गोर्द से होकर अल्फा कोण पर झुकाएं तो पृष्ठ तनाव के बल द्वारा नली में छड़े द्रव स्तंभ के भार संतुलन के लिए केश नली में द्रव की उर्ध्व ऊंचाई h ही रहेगी परंतु द्रव की लंबाई h- हो जाएगी। अगर हम कहो केश नली है उर्ध्व से अल्फा कोण घुमाए अल्फा कोण पर झुकाए दे में तो पृष्ठ तनाव के द्वारा बनी नली में छड़े द्रव के स्तंभ के भार के संतुलन के लिए केश नली में द्रव की उर्ध्व ऊंचाई तो h रहेगी परंतु हमें जो द्रव भरा होगा बाकी लंबाई h- हो जाएगी। और केश नली में छड़े द्रव स्तंभ की ऊंचाई बराबर h बराबर होता है आपका 2t cos θ/r ρg। और केश नली में उर्ध्व से अल्फा कोण पर झुका कोण होता है H - h/cos α। तो समीकरण फर्स्ट व सेकंड से आपका h- आ जाएगी 2t cos θ/r ρg cos α। जैसे आप कीजिए एक वो है h, इसमें h लंबाई तक द्रव बराबर, तो अगर जब अल्फा कोण पर झुकाएंगे तो ये हमारे द्रव हो जाएगा वो h- हो जाएगा। द्रव छोटी केश नली के ऊपरी सिरे तक चढ़कर फैल जाता है ना कि ऊपरी सिरे से बाहर फुहार के रूप में निकलता है। अगर द्रव छोटी केश नली में भरा हुआ तो ऊपरी सिरे तक चढ़कर फैल जाता है ना कि वो फारिंग के रूप में बाहर निकले। केश काट के कुछ वार को उदाहरण देखते हैं कि लालटेन की बत्ती में मिट्टी का तेल बत्ती के धागों के बीच बनी केश नलियों के द्वारा ही ऊपर चढ़ता है, और खेतों या पौधों में बनी असंख्य केश नलियों के द्वारा ही जल विभिन्न भागों में पहुंचता है। पेन के निब की नोक चिरी रहती है जिससे उसमें पतली केश नली बन जाती है, इसे स्याही में डुबोने पर कुछ स्याही केश नली में चढ़ जाती है। और रिफिल वाले पेन पृष्ठ तनाव पर आधारित नहीं होते, इनसे लिखाई गुरुत्व के कारण संभव है। अगर आपसे कोई पूछत हुए कि रिफिल वाले पेन किसके कारण लिखते हैं तो वो गुरुत्व के कारण लिखते हैं, पृष्ठ तनाव के कारण नहीं लिखते हैं, और रिफिल वाले जो पहले पेन आते थे वो हमारे पृष्ठ तनाव के कारण लिखते थे। जब एल लंबाई की छड़ द्रव में तैरती है तो उत्थापक बल आपका हो जाएगा F = 2TL। तो ओके दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें। मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।